معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت سید ریاسن شاہ صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سرکاری حجت دار
अपने अपने मरहूमीन याद करो, सारे मोमिनीन एक सलवात उन्होंने सवाल साढ़े जेडे बहन भाई पिछले साल इस पाक मिशन साढ़े नाल शामिल आ, मौत ने साथों जुदा कर लिया, वो भी साढ़े ते हक रखते हैं एक सलवात उन्होंने सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह सलवा। जी कदर जी इज्जत वाजिबुल एहतराम समीन मजलिसे सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम शिया सुन्नी भाई, याद उसकी बार बार मनाई जाती है जिसकी कोई कुर्बानी हो। इनके याद का तल्लक है कुर्बानी। कुर्बानी ही याद की वजह है। मेजर अजीज रफी साहब ने अपने सीने नाल बम बन के दुश्मन के सामने शिकस्त न मनी, दिफा किया और कुर्बानी दी। कितने मेजर आए फौत हुए चले गए, सानू किसी का नाम ही नहीं आता। मेजर अजीज बटी का नाम बच्चे ने नहीं आता, क्यों? याद उस तीर आती है जिहड़ा कुर्बान। कुर्बानी देने वाले घर तो हाँ जी आवाज पहुंच रही है जी, आवाज पहुंच रही है जी। अल्लाह इज्जत दे। असी इस तरह कभी गलियां च नहीं बैठे, मगर जिथे अपनी जात है उत्थे बैड है, उत्थे कुर्सी है, उत्थे सोफा है। जिथे यादे हुसैन है उत्थे फरमाइश नहीं, जिथे गवाला है। जिथे कुर्बानी है
उत्थे याद है। आई जी साहब तो बड़ा महकमा पौरीश जो अफसर आई जी अगर तभी मौत होया है हस्पताल बीमार हो गया कि उन्हे ना के कोई रोड नहीं बनता सिपाही डाकू ना लड़दा रोड ते मर जाए ते उस मोड़ दा नाम उस सिपाही दे नाम ते रख लेता सबूत कुरान जो पेश कर हाँ मैं जाकरी टोपी या मामा नहीं मैं जाकर हाँ मेरा टोपी नहीं टोपी या मामा मैं भी पांदा है मैं तो नहीं लेकिन जाकरी मैं इतना कर चढ़िए मेहनत दी इतनी कर चढ़िए के बड़े बड़े ये नहीं समझा सकते जिवें अल्लाह ने मैंने ऐसा जी ये होगा ऐसा तो करो तो जिससे क्या करते उन तरह मुआजना है मुआजना करना है اللهم صل على محمد اكو كما صليت على موسى على عيسى انتوسي بولو सलवात ने सानू दर्स दिता कि कुर्बानी आले घर दो ने या मुहम्मद आले मुहम्मद ने या इब्राहिम आले इब्राहिम अच्छा मैं थोड़ा जा सुनिशिया भाई तशरीफ फरमाओ थोड़ा जा और आसान करा जनाबे मूसा नबी है कि नहीं जी इस नाल तुहाडे नूं वेखांगा जनाबे मूसा नबी है रसूल आपकी उम्मत दे इमाम सहबे कलमा सहबे सैफा कलीमुल्ला मासूम हाँ जी तुहानी आवाज पहुंच गई नबी रसूल उम्मत दे इमाम साहिबे सैफा साहिबे तौरा साहिबे कलमा कलीमुल्ला मासूम आओ आज मगरब दी नमाज अहले हदीस आलम अगे खलोवे जो बंदी आलम अगे खलोवे बरेली आलम अगे खलोवे मैं रियाज शाह शिया का पारा जा के पिछे खलोना सलवार तीन पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला मूसा मैं पीछे नमाज पढ़ा मैं रिया प्याना भी चकवाल सिटी चो नारे भी आवाज बाहर ना जाए तो मैं इमाम हुसैन का दरवाजा पिने नहीं जेड़ा अल्लाह मूसा जाए कलीमुल्ला मासूम नबी रसूल इमाम साहिबे कलमा साहिबे सैफा नबी ते तिन सलवात नहीं पढ़न देंदा तू साडी जिद तो गैर मासूम असाबां ते पढ़ता फिरना है खुदा जरा
जिथे कुर्बानी उद क्योंकि कुर्बानी दी दूंगा आले इब्राहिम दस सिल हज मिनाई दी जरा तरतीब बना लीजिए जिथे सलवात का तलक है ओदे नाल नहीं मैं मेरी जिम्मेवारी बड़ा तुम्हें समझना मेरी जिम्मेवारी सलवात का तलक है ओदे नाल नहीं ओदा है नबूवत ओदा है रिसालत ओदा है खिलाफत ना मैं सलवात ओदा नहीं हूँ मिसाल फिर देनी पड़ेगी मुश्किल हो जाएगा मेजर होना ओदा है कि मैं तुम पूछना किहड़े ओदे फैल लो तो तुम आपको मैं मेजर आ करना निशाने हैदर ओदा नहीं बाबा सरकार ओदा एक दिन खत्म है खत्म है नबूवत खिदमत करने शिया फौज चो भी शिया पुलिस चो भी शिया डॉक्टर भी है असि भी नौकरी देने सानू गैर ना समझो असि फिराने सू गैर समझ दो 60 साल बाद ओदा खत्म हो जाता है इनाम खत्म नहीं होता नबूवत खत्म हो गई है इनाम सलवात है वो कयामत तक जारी है ठीक हो गया चौधरी नासिर साहब एक मकामे फिक्र पैदा होता है कुर्बानी पहले कह दी है आले मुहम्मद ने कुर्बानी पहले देने आले
सलवात क्यों पहले आले मोहम्मद उन्नीसवी वजह ये मैं अपना बेटा दाखिल कराया स्कूल यकम जनवरी मिसाल चौधरी नासिर साहब ने अपना बेटा दाखिल कराया यकम मार्च पहले क्या दाखिल कराया बेहतर है दिसंबर च होया इम्तिहान मेरे बेटे लाए 150 नंबर इन्हों के बेटे लाए 200 नंबर मैं जाके मास्टर ना लड़ पे मैं क्या लड़का पहले दाखिल ले नंबर क्यों भी हो सके शाह जी सैयद बादशाह हैं पौड़ियाँ ना कर असा मेरी मुद्दत दाखिला नहीं वेखनी असा काबिलियत भी वेखनी और सोने नबी का पुत्र हुसैन ज़िबा अज़ीम जिन्हां की याद मनानी हो याद बिल्कुल एक मैं पुरानी मिसाल दे लगा हूं तो मोबाइल वाधू हो गए बंदे थोड़े ने ते मोटरसाइकिल ते मोबाइल ज्यादा ने हर नबी की उम्मत ते अज़ाब आया हजूर की उम्मत ते अरिश्त ते नहीं आया ते फरिश्त तो दो अज़ाब आए ने एक मोटरसाइकिल मैं दोवे शेख नहीं रखी ना मैं मोबाइल रखे ना मैं वो बंदे आने जी मौजदा 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 मैं ना मोटरसाइकिल वाले सारे मौजद नुमा ने जितों राह नहीं होंगे निकल जाते आले इब्राहिम आले कितने घर बने दो ठीक उन जिस दी याद मनानी हो वो याद निशानी तो बगैर या मनाई जा सकती नहीं वो याद हूं तो मोबाइल आ गया कल की गल है बिखारियां तो एक बंदा आ रहा है भाई कि जा रहे हैं मैं चकवाल जा रहा वो मेरा काम कीतिया मेरा एक उन्हें क्या पता नहीं याद रहे उन्हें क्या खो जा भाई ए की हो सके निशानी लाइए ताकि तेन याद तो अल्लाह दुआ करानी निशानियां बनाई ताकि याद सुनीशिया तो तकरीर ना नहीं तलक है फिर हाँ दलील वेखो ना दलील कमजोर ओदे निशानियां की बनाई मकाम इब्राहिम हजरे जमजम कुर्बानी दा जानवर सफा मरवा मीना मुज़दलिफा इरफात सफा मरवा क्यों बनाई ताकि इतने दौड़न लगे हैं याद आवे कोई मजदूर दौड़ी है जी निशानियां बनाई इर्दे भी निशानियां बनाई ताजिया
ताबूत, झूला, मेहंदी, जुलजना, अलम, निशानी बिद्दत नहीं होती, निशानी वाकया नू बाकी रखन वास्ते होती है कि वाकया बोले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगे जी तुसी शिया जड़े हो ना, एक गलती करते हो कि याद मनाओ, एक ही मैं ये फिर तुसी सन हल दे दियो, अस ये छड़ देने हैं, वो करते हैं। माशाल्लाह। मसलन मेरे सामने दो बिस्किट पए ने, मैं मिल दा मरीज हाँ, एक ने मैदे दे, एक ने सूजी दे, मैदा जरा है वो मेरे वास्ते सख्त नुकसान दे, ते सूजी ते वो मैं जो ना तुरंत है बाबा जी मैदे दे ने ना खाया दे, मेरा हक बनता है मैदे दे ना खावा ते केड़े खावा, हूँ चौधरी नसब का फर्ज दे वो मैं आके ए सूजी दे खाओ। अगर मेरे तो कुछ शायद छुड़वांदा है तो वो दे बदले के कुछ शायद देवे भी किसे असी मातम छेड़ देने हैं, दसो की करिए, गम ते मनाना, याद ते मनानी। जवाब मिलिया इमाम हुसैन नो नफल पढ़ के बख्शो, इमाम हुसैन नो कुरान पढ़ के बख्शो, मेरे को घड़ी दे टाइम है पंजी पंज पंजी दो बारी पंज आ गया, दा हो गया ते दा दे नाल दो लाओ ते बारह हो गया। अच्छा हुण तुहानू बारह की कसम है जेड़ा जुमला है ओडी दात चाहिए उस तो घट नहीं चाहिए। लो मेरे भाई असी मातम छड़ दिता, सन नुस्खा दियो असी इहदे बदले च, अगे जी कुरान पढ़ो ते इमाम हुसैन नू उत्थे यह दो चीज़ा ने, हदीस भी है ये अंदर ऐते तताहीर भी, कुरान भी हो गया ते नबी दा दो चीज़ा हो गई। लो मैं जमान देना मातम नहीं असी करते, नुस्खा तो दियो अगे जी तुसी कुरान पढ़ के बख्शो, मेरा भाई माँ मर गई है उन पढ़ के बख्श, बाप मर गया है उन पढ़ के बख्श, दादी दादा नानी नाना पुप्पी मासी चाचा मामा मर गया है उन पढ़ के बख्श, कुरान पढ़ के उन बख्श जेड़ा मरण दे बाद आप ना पढ़ सकता हो गए
ਨਸਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਦੌੜਾ ਪੜੀ ਜਾਓ ਨਸਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰੋ ਮਸਾ ਵੀ ਮਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਪੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦਿਓ ਜੰਗਾਂ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਤੋ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਰੁਪਈਆ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਿਆਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ नमाज खलो के जरा नहीं पढ़ सकता तू रियायत देना बह के पढ़ जरा बह के नहीं पढ़ सकता तेरी जात रियायत दें जरा लेट के नहीं पढ़ सकता तेरी जात रियायत दें इशारे ना जिसे इशारे ना नहीं पढ़ सकता तेरी जात इजाजत दें ते मेरा अल्लाह इतने भी तो थोड़ी जी गुंजाइश दे दे परदेसी बंदा पाकिस्तान जो आया ए दो अदारे दे देंगे उदना मेरी त्रै दिन का लंगर बन जाएगा ते रियायत दे दे मेरा अल्लाह मैं ये दौड़ नहीं सकता तेरी जात जान दिए फरमाया नमाज का तलक मेरे नाले दौड़ का तलक सलवात आले वेड़े नाले तकरीर अपने दोस्तों तकसीम सारे फिर हमें पता लगे भी ये सब गल की मेरा ना जो मैं ना दौड़ा मैं हौली जी मैं भी आखना ही है तो दांत चौकी देने मैं जुमला हौली आखना तुम दी देनी है कोई नहीं मेरा ला मैं नहीं दौड़ सकता आवाज कुदरत आई ये नहीं दौड़ सकता तो मेरे घरों दौड़ मेरा नफलों का तो बीबी हाजरा में स्वभाव होगा नफल शुरू करेगा तीसरी नस्ल वाकया छुप जाएगा दौड़ता रहेगा याद साढ़े हाथ टुट जान जैसी किसे सुनी नु दुख दिन वास्ते मातम कर दी अब ये खुदा सारिया नसरा गरक करे जैसी किसे मुसलमान नु दुख दिन वास्ते मातम कर दी अब ये साड़ी भी योनी यते जिमे उथे ना दौड़िया जाए ते जनाबे हाजरा की कुर्बानी छुप जाएगी इंजे इत गलिया च मातम ना किया गया ते जनाबे जैनब की कुर्बानी इस वास्ते ऐसे लोगों का मजलिस चो इंतखाब करो कि जिन्हे शर ना पैदा तबलीग मैं दरस बनाया इस वास्ते कि मैं भी पंजी बच्चे ऐसे खतीब बना दे दूसरी मैं अपील की भी शबी जन्नतुल बगीचे मैं कला बंदा कम बहुत ज्यादा है नौ साल तो कोई जाकर मौलवी है जिस पुत्रा ने कोई शह ना दिखती हो मैं पूछो दिन नासर साहब ना कोई मुहब्बत अगर करनी चाहे तो कर दो और ज्यारत भी करो गए ज्यारत भी करो क्योंकि हदीसे मुतवात्रा के
कि जेड़ी निस्बत जनाबे सईदा नाल बनेगी, जेड़ी निस्बत जेड़ी शायद जनाबे सईदा जहरा दी निस्बत नाल बनेगी, उते शबे जुमा इमामे जमाना तशरीफ ले आंदे। मैं को मांगा था, मैं तो अपना इशारा पूरा किया था। क्या बात है माशाल्लाह। वो चौधरी साहब नाल कोई रब्ता किसे करना होगा, बात नूं समेट के थोड़ा जिहा समझाना है, बोर तो ना होए चके हो ना कल भी सारा दिन जलूस आई थे जख्म तो लगे हो तो फिर अच्छा। मैं तो तबलीगी रंग है मेरा, सुनिया ना दा दे वो किसे दे दरास। अच्छा उन गुजारिश है जी तुसी ते अलम नूं चुमदे हो कपड़ा है गल कोई नहीं कर रख सिर से कुरान मेरा बिरा, जे मैं अलाम दे कपड़े न चुमना ते तू हजरे अस्वद नु नहीं चुमना। वो भी ते पत्थर ही है, क्यों चुमदे हो जे रसूल चुमे। मैं नासर साहब खत लिखा हूँ फौत हो गए ने डॉक्टर इसरा, मैं उन्होंने अपने पैर तो खत लिखे खून छून कोई नहीं सन। मैं क्या जी हम हजेरे अस्वद को क्यों चूनते हैं, उन्हें क्या अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा गुस्सा दिया। मैं दूजा खत लिखा, मैं क्या जी क्यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल पूछ लिया कि जिस पत्थर नो मैं एक बार चुमया वो 73 फिरके याद है, जिस हुसैन नो मैं रोज चुमदा हो याद है। क्या जमजम दा सबील दा सी पानी पीने या के नहीं पीने, साबित होया एक घर दी सबील होवे सलवात आले दी ते दूजे घर दी सबील ना होवे ये अदल नहीं रहेगा। वो न्याजे इस्माइल है ये न्याजे मेरी शेर सुनी भाई तू घर तलक अंबे यार दे दो घर ऐसे ने जिन्होंने कयामत तक तलक है, बाकी नबी है नबूवत को इनकार नहीं, नबी तो हैं लेकिन साडा तल्लुक दूर है। एक घर की असी मिलत हाँ, एक घर की असी उम्मत। मेरे दो दोस्त ने एक का नाम जाहिद है एक का नाम शाहिद है। खुदा ना करे मैं मिसाल दे रहा हूं, शायद का पुत्र फौत हो गया उदे मैं जाके की करांगा, ये पुत्र की शादी है जैद पे ते इतनी गल किताबा चाण की की लोड़ है। इब्राहिम के पुत्र नाल साडा तल्लक है जे असी उस घर की मिलत हाँ, हजूर के बेड़े ना तल्लक है असी इस घर की, जिदे बच के आए उदे खुशी मनाओ, जिदे मारिया गया है उदे गम मनाओ। एक सवाल है छोटा जिहा उहदा जवाब मुद्देबाना कोई मुद्देबाना सख्ती नहीं भाई। हजरत अब्बास जिहड़ा आलम लैके गए सन वह 3 फुट सी 4 या 5 फुट सी ते तुसी शिया आलम लै गए हो 100 दाते भी लै गए इस तो उत्ते भी है या हुण इक आलम कित्थे तैयार हो रहा 162 मैं किसे दसे ते क्या हजरत अब्बास एडा आलम लै गए नहीं ते फिर तुसी वधे क्यों हो
उन्हें सौखा जहा जवाब है, बिल्कुल सौखा जहा आसान जहा कि अरश तो भी दुम्बा आया ही मौलवी साहब कुर्बानी उठते क्यों रह गए। साबित होया जिहदे च कमी पेशी नहीं वह शरीयत है, जिहदे च इजाफा कर सकने हैं वह अकीदत। लो जनाब बड़ी मेहरबानी बड़ी मोहब्बत ज़ैफी च सरपाक अशरा पड़ा उन मेरे जिहड़े अशरे ने पिंडी डिवीजन चो जिहड़े मैं हुण तक पढ़ बैठा इस तों कबल उन्हां दी तादाद है 56 कितने मुख्तलिफ मकामात ते शाहजहां दराग कदीमी रत्ते I-10-4 G-62 खन्ने चूह खालसा इनको सारे गिने जान बिखारियाँ दे बौना दे जामरे दे चक्षियाँ दे तो मैं लिखे ने मेरे को 56 अशरे मैं पिंडी डिवीजन जो एस तो कबल पढ़ चुके हैं तो 56 त्रै ए भी पा लो शारे सुला आला चकवाल आला ते I-10-4 तकरीबन इतने मैं अशरे पढ़ सके और मैसा का तो मैं हिस्सा भी आखिरी बात मौला मुसैब का मेरे शिया सुनी भाई जिस घर मौत हो जाए जिस घर उते हस के जाते हो या गम नाल जाते हो ते 10 मुहर्रम वाले दिन शिया का पुत्र मारिया गया है कि रसूल का पुत्र मारिया अपना मर जाए तो किमें जाते हो जी तो जे रसूल का सारा घर उजड़ जा आपस च फिरा बैठे हैं इतने बड़े मजमे च एक पर्देदार आवे आके आके इतने बहना दे फिरा बैठे हो मैंने एक चादर चाहिए चादर दियो दे के उन तमाचे मारो ऐ गलतफहमी दूर करो शिया का घर नहीं उजड़िया सुने नबी हर किसे दामिया दे दिन एक बारी इजाजत इमाम हुसैन तो मांगी शहादत के आका मिलना क्योंकि इमाम दे इज्जत तो बगैर शहादत हो नहीं सकती जी इमाम दे इज्जत तो बिना नहीं इज्जत खुदा है वजह है वरना शहीद होना ही चले जाते जाके शहीद हो जाते नहीं मगर इज्जत तो पूछना वाजिब कोई इमाम साहब ने सलाम सीने ना लाना मुंह चुमना फरमाया तू चल नाने को कौसर पी ते मैं तेरे पीछे पीछे जिन बार बार मौत की इजाजत नहीं दीती वो है अब्बास आका मौत की इजाजत अब्बास को मेरी कमर का मैं सारा दिन लाशा चाह अब्बास जिसमें लाश चाह के लिया ना तो मेरे हाथ मसरूफ हो क्योंकि मैं लाश चाहिए मेरे हाथ फारग नहीं होंगे उसे शामी में बड़ा मार के
हुसैन अबू वल्दा नहीं दे सकता ते फिर मैं थक गया। मुझे प्यास ते कुछ जख्म, जख्मी प्यास भी ते पानी में चौथे दिन ना बंदे त्रै लफ्ज़ दा एक रवाज बन गया, सतवीं अठवीं नामी कितने दिन बने चार। इस लफ्ज़ की कदर करोगे ना तो सैयद आ मैं तुहाडे हक चो दुआ करांगा। वैसे ही मैं बड़ी राजी हुआ मौलम, बड़ा मैं मुतमैन होया सर पाक ते मौलम पढ़ के। कमाल इंतजाम, कमाल सलूस, कमाल मजमा, मेरे जिहड़े जिंदगी दे यादगार मुहर्रम जिहड़े मैं अज तक नहीं भुले उन्हां विच एक यह मुहर्रम भी शामिल हो गया। पर मैं बस मैं थक जाना, अल्लाह ने बताई हुसैन को दिन औखा लगा, अल्लाह मेरी थकावट का इलाज बनाया। कोई तो कदरदान होएगा हजारा के मजमे चो, कोई तो जोरी होएगा जरा के घर तुआड़िए की पड़े है। पर मैं जिससे मैं थक जाना ना लाशा चा चा के, अल्लाह मेरी थकावट का इलाज बनाया है। मैं जितना थकाया हुआ मैं तेरा मुंह वेख लवा मेरी थकावट। तू मेरी अखियां दा कभी आखना मैं तेरे आसरे ते कभी आखना तेरी शक्ल मेरे बाबे नाल, कभी आखना तू मेरी फौज दा। जदन अठवीं बारी इमाम हुसैन आखिया ना तू मेरी फौज दा, जर बनाए मैं चकवाल आलियां सुनन दी तुसां आखीर कर छड़ी खुशामदी ते लानत ते जी जिंदगी दा पता नहीं, मैं भी अपनी आखरी सही दाखिल हो गया, यादां तुहाडियां मैं कबरे च लैके जाऊंगा। मुहर्रम तुसां ही सुने जिस आखिया ना तू मेरी फौज दा जरनैल है। 32 साल पहली बारी कदमा ते हथ रख के आंदा है मां दे खाली बलन दा वास्ता ही, वो फौज ते भी खा जिहदा मैं जरनैल हां। मेरे नौकेर मरी गए, मेरे शिगिर, मेरे बकरिए, मेरे बने, ये फौज है कितनी इजाजत जी रूम दी नहीं तो हूं तक इतने कोई शह नजर है। मैं अली का वारस इमाम हुसैन फरमाया जिसे खेमे गए थे जनाबे बाबा खातून सरकारे अब्बास दी हरमे अक्दस हरमे मुतहरा जनाबे फजल दी अम्मा आंदे ने कोई मेहरबानी करो हाँ मैनू थोड़ा जहा फौजा विचो राह बना दो किधर जाने नजफ। सरकारी अब्बास आंदे ने कि बतूल दियां धीआं जंगल तो ए लफ्ज जो दर्द बड़ा है जे मैं समझा सकूं ठा मार के जनाबे दा बाबा खातून दिए ते बतूल दियां धीआं जंगल च ने ते साडे इत्थे रहण दा बतूल दियां धीआं नूं फायदा केड़ा होया। तो सरकारे अब्बास आंदे ने मां फजल दी शिकवा ना कर खेमे तू ने बांध दी
इजाजत पत्र रसूल का नहीं लिया था, मैं की करा, मैं की करा। फरमाया तुसी मर्द हो, तुसी जाके बाहर टिब्बे ते बह जांदे हो, मैं ते पर्देदार हां, मैं ते बाहर जा नहीं सकदा। हर खैमे च हुसैन बादशाह दी जी एक बारी आई है, मेरे खैमे च नौ बारी आई है। प्याला हथो फड़े है ध्यान दिए, चाची मैं नहीं पीना अस्कर प्यासा। मगर मेरा नाम नहीं देंगे, बखील ने, मगर मैं जदन किसी का जुमला पढ़ा मैं उसका नाम इलामा अली नकी तो सोना जुमला अज तक ना किसी आलम आख्या नकन साहब ते ना किसी जाकर आख्या। जरा प्यास का मंजर वेख्या जे इलामा अली नकी कि मैं बयान किया है। इलामा अली नकी जैसे जनाबे लबामा खातून खैमे का पर्दा हटाया है ना, 84 बच्चा मुंह के बाहर रेत के टिब्बे ते पे है, अगे सुके प्याले पे ने। इलामा दे ने शिद्दत ते प्यास तो बच्चियां दी हालत ये आई, जिहदा मुंह खुल गया ही बंद ना ही होंदा। जिनके प्यास की शिद्दत तो की हालत पर मैं हो गया। हजरत पास आते ने मां फलल दी हूं मुहम्मद के नाल उन्हों की अम्मा पाक गई, इजाजत मिल गई। अली अकबर के नाल अली अकबर की अम्मा पाक गई, इजाजत। जनाबे कासम नाल उहदी अम्मा गई, इजाजत। बाबा मेरा नजफ है, बाप मेरी मदी है, मेरे नाल कहीं जा रहा आज कोई मेरी भी सिफारिश करो ना बाप, मेरी भी तो जनाबे सकीना की आवाज आई, चाचा तेरी सिफारिश मैं आराम दिता। तलवार गुआई मशक गुआई, चाचा ते बतरी जिसे खैमे चो निकले। ये पहला मौका है जिथे इमाम हुसैन करीम सदवाया। इलाम लिखते ने जिसे अंज आता जिता है ना चाचे ते बतरीन, उसे इमाम हुसैन दोवे हाथ रखे ने कमर ते रख के नजफ वाले पासे मुंह करके ते ढा मार के आंदे ने बाबा हुण आ जा मैं तेरी जरूरत पै गई। बाबा हुण मैं गरीब हो गया, नाल धी ले आउंदा है, किसी दिया भी खाली आवाज बड़ा फैसला की ना दी लै तेन पता है ना असी दिया खाली नहीं डोलते। कोई सकीना इतना सोच के चाचे लिया गया मत तेरा भी ना बचे, आवाज एक गल करनी है तेरे फरमा बिस्मिल्लाह करो जी। फरमा तेन में मौत की इजाजत दे ना ते तू शहीद हो गया, तेरे बाद मैं दुनिया में अग लानी, तू शहीद होना है ते मैं भी शहीद हो गया। आप इस दवे बिरा बैठे हैं, त्रीजा ते है कोई ना,
ना तू होएगा ना मैं बहना का की बहना खेमे जो आवाज आई अपनी नबेड़ो शाम जानी है इमाम हुसैन अपने दोवे हाथ इतने रखे तो रखे आते हम बस चेक अजे रजिया नहीं तो तू मेरे प्यो का पुत्र है मेरी मां की दुआ है वो मेरे कपड़े जबरील सीते आन तेरे मेरी मां सीते और मैनू खिडाण आला जरा आई वो जबरील आई तीन खिडाण वाली मेरिया भैन हर बंदा एक बारी चुप कर एक बारी चुप कर जो ताकि जुमला हर ज़हन तक पहुंचे जैसे क्या ना मैं नौकर किया क्या नौकर इमाम सेना दिन मैं इमाम होकर हुक्म देना सिर चा क्योंकि सरकारें वफा इमाम हुसैन के चेहरे अलो ना कदम लोगे वफा हजरत अब्बास ने सर चाहे मगर की मन फरमाया मैं हुक्म देना हकी को अब्बास हकी को नहीं है इमाम हुसैन दिन जब तक मैं ना आखा अखी बंद ना करी मैं इमाम हाँ तेरा मैं हुक्म पे लेना हूँ अब्बास आज देखे है इमाम हुसैन दोवे हथ अब्बास की दाड़ी से रख के आते अखी बंद ना करी मेरी गल का जवाब नहीं बार बार जवान है मैं नौकर हाँ कभी नौकरां दे कपड़े धोने मेरिया भैन ने वेखे चल गुजर गई सुन गुजर गई अब्बास तेरे जहा प्यार नहीं हो अब्बास मैं तेरे नाल वादा करना जलूस मेरा होएगा अलम तेरा होएगा मेरे मातमी पीछे होंगे तेरा अलम आगे होएगा घर मेरा होएगा पहचान अलम तेरा होएगा मैं तेरा बखरा दरबार बनावांगा उत्ते लिखावांगा बाबुल हवाए बस संभाल ठीक है अल्लाह दे हवाले एक कम करते थे एक बारी मैं नहीं तो चुम एक बारी मैं नहीं तो चुम अपने भाई मेरे गले च पा ते सिर्फ इको बारी आ खायो मेरा गरीब सरकारी अब्बास आंदे ने हुक्म हो दे जरा मेरे बस च बंदा शिया होवे शिया दे घर जमया होवे मां दी झोली जमाईदा सुनन लगा होवे ओदी हाय ना निकली मैं सैयद हां मेरा जिगर फट जाएगा जैसे कहना मैं नहीं तो चुम के आख मेरा गरीब भी अब्बास पैर चुम के आंदा है हुक्म हो दे जरा मेरे बस से थे मैं ये तो नहीं चुम सकता क्यों फरमाया ये तो जनाबे ज़ैनब चुम दिए ये तो जनाबे कलसूम इमाम सेना दिन मैं वक्त रोक ले मेरे प्यो भी सूरज
रुकिया ते तू गल्लां कर ते मैं सुन मेरा प्यू सिखदा रहा मेरी धी ज़ैनब मेरे नाल गल्लां कर मैं सिखदा रहा मेरा अब्बास मेरे नाल गल्लां कर लै वक्त रुक गया तू गल्लां कर सरकारे अब्बास आंदे ने इको कर क्या फुरात साडा ना क्या असा 60,000 दिनार नहीं दिता दिता है क्या फुरात साडे रकबे च नहीं पिया बंदा बंदा है पिया तो सरकारे अब्बास आंदे ने क्या बच्चे प्यासे नहीं हैं ते फरमाया मैं फिर लड़न क्यों मैं पहले मालूम कर लवां जे किसी शिया मातम करने शर्म ना हो बशा आप ते मातम कीता नहीं दसाना दिन इमाम हुसैन दिन जे पूछी लिए ही ते सुन मैं ते लड़न इस वास्ते नहीं दिता साडा दुश्मन बेगैरत है लड़ना तू आई बदले इन्हां तेरियां बहना को लैने आ सोहना लगदा है मातम गरीबां दा सोहना लगदा है मातम गरीबां दा फरमाया मेरे लो इजाजत बहना को इजाजत बहना को इजाजत क्योंकि तेरे आसरे हूँ 28 साल हो गए ने अब्बास बतूल दियाँ दियाँ दे बेड़े च मां मना किया ही ना बिना जाए क्यों साल दियाँ 32 साल कहते ठीक है अंदर तो जाना नहीं अम्मा मना किया है दरवाजे से खड़ो के ऐसे तहीर पढ़ना बतूल दियाँ दियाँ मैं मौत की खैरात लिया सरकारी अब्बास खलत ना पवे जी वैन की सरकारी अब्बास इस तरह खलोते ने आके अखी मन सर कोई निकल जाता छोटा जाता मतलब माओ किससे हुए थे जैसे पढ़िया ना वायुता हेरा कौन अंदरों आवाज आई अम्मा फिजा मैं भुले नाली मां दरते अब्बा सजे मोड़े नालों आवाज आई लगा जा तेरी उम्मल बनी इन मां ने तेरी मैं ला दे जा मेहमाने मेरिया धिया मुंह भी खाई अब्बास अंदर आया
मौत मेरी सेना दी है, मेरे त्रै सवाल ने उन्हां दा जवाब दे फिर टुर जाने। मेरा पहला सवाल है, मैं किते खलोती हूं? सहरा फौज 9 लाख क्यों आई है? तेरी क्या जरूरत? फिर आदे गल माई बागिया लिए बड़ा सोना मौका वेखिए बच्चे प्याले लेके डुल। एक सोनी मजदूर हल्का मातम दा बनाया, दरमियान च जनाबे ज़ैनब हजरत अब्बास मेरी सैना दी हुण मांग की मंगे। अब्बास आंदे ने माओ दी इजाजत, चकवाल आलिया ओ मातम दा जुमला आ गया। सैयदा 8वीं दा दिन ने मिलनी परचाया है, मैं जो दुहान रोज पर जाना आज मैंने सैयद समय के मैंने भी पर जाया है। जदन अब्बास आके माओ की इजाजत जेडी लाश भी कहने जाइए मेरी सैन की चादर इतने रहिए। जदन अब्बास आके मैं माओ की इजाजत अली की धी सर तो चादर ला के अपने गले चपाइए। गले पा के मेरी सैना दी अली दिया नुआ Yeah.